तो दोस्तों आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ चंडीगढ़ की एक बहुत ही फेमस जगह सुखना लेक में। ये चंडीगढ़ का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है और बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे बोटिंग, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब की कंप्लीट डिटेल्स आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चंडीगढ़ के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस सुखना लेक की कंप्लीट डिटेल्स। ये जो सुखना लेक है ये चंडीगढ़ की सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेक है जहाँ पर बोटिंग वगैरह की कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग यहाँ पर घूमने फिरने, वॉकिंग करने और बोटिंग करने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी चंडीगढ़ घूमने आते हैं तो सुखना लेक में घूमना बिल्कुल ना भूलें, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला टूरिस्ट प्लेस है। ये जो सुखना लेक है ये सेक्टर 1 में पड़ती है जो कि सेक्टर 17 से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक आप बस से भी आ सकते हैं, ऑटो से भी आ सकते हैं और यहाँ पे एक नई चीज़ चली है स्मार्ट साइकिल जो कि इलेक्ट्रिक साइकिल है, अगर आप चाहें तो उनसे भी आ सकते हैं। 20 से 30 रुपये के रेंट में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और जगह बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर आप बच्चों या फैमिली के साथ पूरा दिन इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों चंडीगढ़ की एक ख़ास बात यह है कि एक तो आपको यहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पे कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो पार्किंग वगैरह आपको सभी जगह मिल जाएगी। और दूसरी ख़ास बात यहाँ पे यह है कि इस शहर में पेड़ पौधे बहुत हैं, यानी पूरी ग्रीन सिटी है ये। तो यहाँ पर अगर आप घूमने आते हैं तो पहले तो चंडीगढ़ ही घूमने लायक और देखने लायक जगह है। तो यहाँ से फिर जब आप सेक्टर 1 में आते हैं तो सेक्टर 1 में ही पड़ता है सुखना लेक, ये देखिए। तो जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर लोगों के खाने पीने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो अगर आप पूरा दिन एंजॉय करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे खाना पीना वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए भी कई तरह के झूले हैं जिनके अलग अलग चार्जेस पड़ते हैं, तो आप उनको भी कर सकते हैं, अगर साथ में बच्चे आए हैं तो इन सब झूलों को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोटिंग की बात की जाए तो कई तरह की बोटिंग होती है यहाँ पे, एक तो जो सिंपल बोटिंग होती है और एक शिकारा बोटिंग भी होती है, इसके अलावा क्रूज बोटिंग भी होती है, तो उनका अलग अलग चार्जेस है। अब यहाँ पे बोटिंग के अगर चार्जेस की बात की जाए तो जो नॉर्मल बोटिंग होती है उसका चार्जेस है 250 रुपये दो आदमियों का आधे घंटे के लिए। इसके अलावा अगर आप क्रूज़ बोटिंग करते हैं तो क्रूज़ बोटिंग का जो चार्जेस है वो 325 रुपये पर पर्सन का। यहाँ पे शिकारा नाव भी चलती हैं जो कश्मीर में चलती हैं, शिकारा नाव वो वाली, अगर आप उसमें बोटिंग करते हैं तो उसका चार्जेस है 450 रुपये दो आदमियों का आधे घंटे का। तो इस तरह के चार्जेस है यहाँ पर, आप अगर यहाँ पर आते हैं बोटिंग करते हैं तो इन सबको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं तो आया हुआ हूँ मार्च के महीने में, तो जो मार्च का महीना है इस टाइम पे थोड़े बहुत गर्मी शुरू हो चुकी है, इसके बाद अगर आप आते हैं तो और आने वाले समय में और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो घूमने का बेस्ट टाइम है वो बरसात का और सर्दियों का है, क्योंकि चंडीगढ़ में भी गर्मी काफ़ी पड़ती है तो इस वजह से यहाँ पर घूमने में थोड़ा परेशानी होगी दिन के समय में। और अगर आप गर्मियों में घूमने आते हैं तो शाम के समय आइए, जिस टाइम थोड़ा धूप कम हो जाती है तो उस टाइम आप यहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे। ये झील काफ़ी बड़ी है, 3 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, तो काफ़ी बड़ी ये झील है, आप यहाँ पे बोटिंग करते हुए यहाँ के पूरे नज़ारे भी देख सकते हैं। यहाँ पे कई तरह की एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे जो पेंटिंग होती है ये स्केच पेंटिंग ये भी होती है, अगर आप अपनी पेंटिंग बनाना चाहते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपकी पेंटिंग बना देंगे 300 रुपये में। ये देखिए 10 से 15 मिनट लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग 10 मिनट के अंदर में ये तैयार कर देते हैं। ये देखिए मैं अभी आपको पेंटिंग दिखाता हूँ। तो इस तरह की ये सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, परिवार के साथ आते हैं या फिर आप अकेले में आते हैं तो घूमने के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ सुखना लेक में अंदर एंट्री के लिए कोई चार्जेस नहीं है, अगर आप केवल घूमने आते हैं तो यहाँ अंदर घूमने का कोई चार्जेस नहीं है। बोटिंग वगैरह करते हैं या फिर बच्चों की कोई और एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके अलग अलग चार्जेस हैं जो आपको पे करके वो सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घूम सकते हैं चंडीगढ़ की सबसे खूबसूरत झील सुखना लेक में। ये जो लेक है ये रॉक गार्डन के बिल्कुल नज़दीक ही है, अगर रॉक गार्डन की बात की जाए तो रॉक गार्डन यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता है, पैदल पैदल ही आप यहाँ से रॉक गार्डन भी जा सकते हैं और रॉक गार्डन से यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।